हेलो एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी, पाठ संख्या 4, बिहारी के दोहे। ठीक है बेटा, 9 दोहे तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिए थे। दोहा नंबर 10 है, यही आस अटक्यो रहे तू, अली गुलाब के मूल, हे फेरी बसंत ऋतु, इन डार उनके फूल। पहले आप हार्ड वर्ड लिखिए, यही आस अटक्यो रह तू, अली गुलाब के मूल, हे फेरी बसंत ऋतु, इन डार उनके फूल। हार्ड वर्ड देखिए बेटा, अली, अली मीन्स भोरा या मित्र, अली भोरा। ओके, नेक्स्ट अली का लिख लो भोरा। नेक्स्ट है फेरी, फेरी मीन्स फिर, फेरी फिर। डारनू, डारनू डालियों पर। ठीक है, अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं, यही आस अटक्यो रहियो अली गुलाब के मूल। प्रसंग क्या है, ये दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई से संकलित दोहों से लिया गया है। इसमें कवि मोह माया के जाल में फंसे लोगों पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं। इसमें कवि मोह माया के जाल में फंसे लोगों पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यही आस अटक्यो रही हो। कवि कहता है कि कभी फिर बसंत ऋतु आएगी, यही आस अटक्यो रहे हो रह तू अली गुलाब के मूल। कवि कहता है कि कभी फिर बसंत ऋतु आएगी और इन्हीं डालियों पर फिर गुलाब के फूल खिलेंगे, यही आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल। कवि कहता है कि कभी फिर बसंत ऋतु आएगी, इसी डालियों पर फिर गुलाब के फूल खिलेंगे, इसी आशा से, यही आस, इसी आशा से भोरा भवरा गुलाब के मूल में पड़ा रहता है कि बसंत ऋतु आएगी, जरूर ये एक दिन फूल खिलेगा। इसी प्रकार यही है फेरी बसंत ऋतु, इन डारनों के फूल। इसी प्रकार सुख सुविधाओं के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति फिर से उसी आशा में रहता है कि किस आशा में कि अच्छा समय आएगा, फिर से सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर मिलेगा। इस तरह नष्ट वैभव व्यक्ति इसी आशा में चुपचाप बैठा रहता है। हवे है फेरी बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। तब दोबारा फिर इन सूखी डालियों पर फिर से बसंत ऋतु आने पर फूल आ जाएंगे। दोबारा देखिए, यही आस अटक्यो रहे। कवि बिहारी जी कहते हैं कि भवरा फूल के मध्य इसी आस में अटका रहता है कि एक बार बसंत ऋतु दोबारा आएगी और फिर से ये फूल खिलेंगे और इन डालियों पर फूल आएंगे, इसी आस से वो उसमें रहता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति, बिहारी जी कहते हैं कि इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के सुख सुविधाओं के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति इसी आशा में रहता है कि दोबारा अच्छा समय जरूर आएगा। इसका विशेष लिखिए, कवि ने भोरा और गुलाब के माध्यम से आशावादी व्यक्ति की व्यंजना की है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। को छूट्यो ये जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यो ज्यो सुरजी भज्यो चैत, त्यों त्यों उर्जत जात। हार्ड वर्ड लिखिए, परी, परी मीन्स परी पढ़कर। ठीक है, परी पढ़कर। कत, कत मीन्स क्यों। ओके, कत मीन्स क्यों। कुरंग, कुरंग मीन्स मृग। सुरजी सुलझाना, सुरजी सुलझाना। अकुलाता,
अकुलाता में छटपटाता, अकुलाता छटपटाता, भजो दूर भागना, भजो दूर भागना। ओके, उर्जत उलझना, देखिए को छूटो ये जाल परी कत कुरंग अकुलात। बिहारी जी प्रसंग पूर्ववर्ती चल रहे हैं। बिहारी मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति की विवशता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, कवि कहता है कि अरे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। यही आ को छूटो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात। कवि कहता है कि अरे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। ठीक है, जो जो सुरजी भजो चैत, कि जितना तू, ठीक है, इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वह सुलझाने की चेष्टा करने पर भी बार बार इसी में उलझ जाता है। छूटना चाहकर भी जो जो उर्जा जा जो जो इस जाल से सुलझना चाहता है उतना ही वो इसमें फंसता चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जितना सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, संसारी व्यक्ति से कहता है कि अरे व्यक्ति तू इस मोह माया में फंस जाता है, तो उस मोह माया से व्यक्ति का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेष लिखी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कवि ने सांसारिक मोह माया में फंसे व्यक्तियों के दुख को व्यक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहों करे भुवन हंसे देन कहे नटी जाए। देखिए इस दोहे में बिहारी सतसई, बिहारी के इन दोहे को बिहारी सतसई से संकलितांश से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने किसी नायिका अथवा राधा की चतुरता का वर्णन किया है। इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा की चतुरता का वर्णन किया है या किसी नायिका की। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए। बतरस बातें करने का आनंद, बतरस बातें करने का आनंद। ठीक है, लालच लालच, मुरली मुरली, लुकाई लुकाई मीन्स छिपाकर, लुकाई छिपाकर, बोहनु बोहों से, बोहनु बोहों से, सो सौगंध या कसम। ठीक है, नटी जाए मना कर देना देन देने से। देखिए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि राधा ने नायक की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण, राधा एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, राधा ने कृष्ण की बातों की मधुर मधुर बातों के रस की लालच के कारण उसकी मुरली को छिपाकर रख दिया। जब वे नायक बतरस बातों के लालच के कारण, बतरस लालच लाल की श्री कृष्ण की मुरली को राधा ने छुपाकर रख दिया, सोहन करे, जब मुरली को छुपाकर रख दिया तो वे नायिका कभी तो, जब कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो कभी तो न लेने की शपथ खाती है और कभी भौहों से हंस जाती है, और देने के लिए प्रार्थना किए जाने पर भी स्पष्ट मना कर देती है। अर्थात वह नायिका मुरली छिपा लेती है और उसे नहीं देती, क्योंकि वह अधिक समय तक नायक से, उसे लगता है कि नायक अधिक समय तक उसके पास रहे। ठीक है, जिससे वो उससे मीठी मीठी बातें करता रहे, इसलिए वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और नटने की क्रिया करती है। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए।
इसमें क्या बताया गया है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि राधा श्री कृष्ण से बात करने की लालच के कारण उसकी मुरली को छिपा देती है, जिससे वो अधिक समय मेरे पास रहे, मुरली मांगेंगे और जब वो मुरली मांगते हैं तो वो मन देने से मना कर देती है और कसम खा जाती है कि मैंने नहीं छुपाई, और बहुओं से हंसती है, मना कर देती है, ठीक है, शपथ खाती है और हंसती है वो, क्योंकि राधा अधिक समय तक श्री कृष्ण से बातों का आनंद लेना चाहती है कि वो हमसे दूर ना जाए। नायिका के प्रेम की का सुंदर चित्रण किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, संयोग श्रृंगार रस का मनोहारी चित्रण किया गया है। जब नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका के मिलन की बात होती है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार, और जहाँ बिछड़ने की बात होती है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। समझ आ गया? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन करे बोहन हसे देन कहे नटी जाए। नेक्स्ट है नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। नाची नाचना, नाची मीन्स नाचना, पावस वर्षा ऋतु, पावस वर्षा ऋतु, नंदित आनंदित वर्षा ऋतु, नंदित आनंदित, दिशी दिशा, नंद किशोर श्री कृष्ण। देखिए हार्डवर्ड हो गए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बिहारी जी ने विरह वेदना से व्याकुल नायिका को सांत्वना देने के उद्देश्य से एक सखी का कथन है, शायद वे वन में कृष्ण से भेंट हो जाए, इसी प्रसंग में वो सखी कहती है। देखिए इस दोहे में कवि बिहारी ने एक व्याकुल विरह वेदना से व्याकुल नायिका को सांत्वना देने के लिए उसकी दूती उसे क्या कहती है, हे सखी बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लगा, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, हे सखी आज बिना वर्षा ऋतु के ही या बिना वर्षा के ही आज वन में मोर नाच उठा, नाचने लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण ने आज वन विहार के लिए इस दिशा को आनंदित कर दिया है, अर्थात वे इस ओर निकल आए हैं। वो दूती क्या कहती है, हे सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि आज श्री कृष्ण ने इस दिशा में वन में विहार करने के लिए इस दिशा को आनंदित कर दिया है, अर्थात इस ओर वो निकल आए हैं, इसी कारण उनकी सांवली कांति को देखकर मोरों को मेघों का भ्रम हो गया और वे आनंद से नाचने लगे। नाची अचानक ही उठे, हे सखी आज अचानक ही मोर नाचने लगे बिन वर्षा ऋतु के ही, जानती हो नंदित करी, ऐसा लगता है कि शायद नंद किशोर, ठीक है, वन में आ गए हों और उनके इस सांवले रंग को देखकर मेघों को भ्रम हो गया हो कि मेघ आ गए हैं, तो मेघों के भ्रम में वे आनंद से नाचने लगे हों। दूती ने नायिका को सांत्वना देने की दृष्टि से ये बात कही। अनुप्रास और भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया। लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्व गरूर, बहे न केती जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इसमें देखिए लिखन बैठी जाकी छवि, लिखन बैठी जाकी छवि गई नहीं गर्व गरूर, बहे न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। छवि, छवि मीन्स रूप सौंदर्य, ठीक है,
गरुर अभिमान, कूर क्रूर मूर्ख, गर्व गर्व, ठीक है, चितेरे चित्रकार, हार्डवर्ड हो गए। अब देखिए, लिखन बैठी जाकी छवि, इसमें नायिका के अप्रितम सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नायिका के अप्रतीत सौंदर्य का, नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। देखिए, नायिका की सखी नायक से नायिका के अप्रतिम सौंदर्य के विषय में कह रही है, नायिका की सहेली नायक से अपनी नायिका के बहुत ही सुंदर रूप के बारे में अप्रतिम रूप के सौंदर्य के विषय में कह रही है। क्या कह रही है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार उसकी सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान के साथ आकर बैठ गए। लिखन बैठी जाकी छवि, गए गई गरन गरूर, बड़े बड़े अभिमान के साथ बड़े बड़े प्रसिद्ध, ठीक है, चतुर चित्रकार उसकी छवि को बनाने के लिए आकर बैठ गए, परंतु वे उसके सौंदर्य का सही अंकन भय न कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर, लेकिन वो उसके सौंदर्य का सही अंकन न कर सके ने के कारण मूड बन बनकर लौट गए। अर्थात नायिका के नित परिवर्तित सौंदर्य का चित्र बनाना असंभव है। लिखन बैठी जाकी छवि, कही गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इसमें नायिका एक सखी नायक को नायिका के अप्रीतम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि बड़े माने हुए चित्रकार बड़े गर्व से अहंकार से आकर बैठे नायिका के चित्र को बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो नायिका के रूप को सौंदर्य का सही अंकन ना कर सके। कहने का कारण है कि नायिका के नित परिवर्तित सौंदर्य चित्र बनाना असंभव है। नेक्स्ट है बेटा, जीने पट में झुलमुली झलकती ओ अपार, जीने पट में झुलमुली झलकती ओ अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती सपलव डार। जीने मीन्स जीने, देखिए जीने पट में झुलमुली झलकती ओ अपार, सुरतरु की मन सिंधु में लस्ती सपलव डार। जीने मीन्स पतले पतले, पट मीन्स कपड़ा, जीने पतले पट मीन्स कपड़ा, झुलमुली कान का एक झिल मिलाने वाला आभूषण, झुलमुली कान का झिल मिलाने वाला एक आभूषण, ठीक है। ओप शोभा, ओप मीन्स शोभा, सुरतरु कल्प वृक्ष, सुरतरु कल्प वृक्ष, सपलव पत्तों के सहित, सपलव पत्तों के सहित, ठीक है। इसमें किसी नायिका के बिहारी जीज दोहे में नायिका के कान के आभूषण का सुंदर वर्णन करते हैं, नायिका के कान के आभूषण का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कौन? बिहारी जी। क्या कह रहे हैं? जीने पट में झुलमुली झलकती ओ अपार, नायक के सम्मुख नायिका के रूप का वर्णन करती हुई उसकी सखी दूसरी सखी से कहती है कि जब नायिका के कान का सुंदर, कान के आभूषण का सुंदर चित्रण किया है, ठीक है,
नायक के सम्मुख नायिका का रूप वर्णन करते हुए उसकी सखी कहती है कि जब नायिका के कान के आभूषण की अनुपम चमक जीने पट में झुलमुली, कान का एक आभूषण पतले से वस्त्र में से जब आभूषण की अनुपम चमक उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकती है तो उसकी शोभा इतनी सुंदर लगती है मानो कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा रही हो। जीने पट में झुलमुली झलकती ओ पपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपलव डार। एक नायिका नायक के सामने अपनी नायिका सखी की कान के आभूषण की अनुपम सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है कि नायिका के कान के आभूषण की अनुपम चमक उसके पतले घूंघट में से इस ओर झलकती है, घूंघट से बाहर झलकती हुई ऐसे लग रही है, उसकी शोभा इतनी सुंदर लग रही है मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों पर लहरा रही हो। ठीक है, नायिका के सौंदर्य से कल्प वृक्ष की कल्पना करने से नायक की प्रेमाशक्ति को पूर्णता सफल किया गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कहत नटत रींजत खींजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कहत नटत रींजत खींजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें बिहारी सतसई से संकलित दोहे में बताया गया है कि नायक और नायिका नेत्र संकेतों और का और लज्जा आदि का वर्णन किया गया है कि वो भरे भवन में सबके बीच में इशारों ही इशारों में कैसे बात करते हैं। खिलत प्रसन्न होना, कहत कहना, नटत मना करना, ठीक है, लज्जियात लज्जित होना, भोन भवन, भवन मीन्स भवन, नैननु आँखों से, कहत नटत रींजत खींजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका भरे भवन में, एक भरे भवन के भीतर सब व्यक्तियों के सामने आँखों ही आँखों में बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से कुछ प्रस्ताव करता है, कहता है, नायिका नट जाती है, नायिका के नटने की कला देखकर नायक उस पर रींझ जाता है, नायिका मुस्कुराती है, ठीक है, मुस्कुराती है और खींझ होने लगती है। इस तरह संकेत करते रहने से जब दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वहाँ अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी होने लगती है। नायक नायिका से कुछ कहता है कि भरे भवन में नायक और नायिका कैसी आँखों के इशारों से एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। कहत नटत रींजत खींजत, नायक नायिका से कुछ कहता है, वो मना कर देती है, नायक रींझता है, नायिका को गुस्सा आने लगता है, फिर वो मिलने की बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर दोनों को लज्जा आती है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। आँखों ही आँखों के इशारे से भरे भवन में नायक और नायिका बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजात, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजात, कहिए सब तेरो ही हो मेरे हीये की बात। अब इसमें कागद मीन्स कागज, ठीक है, लिखत लिखते, लजात लज्जा आती है, ठीक है, कहिए कह देना, कहिए कह देना, ये हृदय, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजात। अब इसमें बिहारी ने
किस बारे में बताया है इसमें? नायिका के आदर्श प्रेम की भावना का स्वरूप प्रदर्शन किया है कि नायिका विरणी नायिका आत्म कथन चिंतन रूप में मनोदशा प्रकट करती है कि मुझसे कम स्वेद अश्रुपात एवं विरयाग्नि की जलन आदि के कारण कागज पर कुछ भी लिखा नहीं जा रहा। वो दूत आदि को मन की व्यथा कहने में लज्जा के कारण कुछ संदेश भी नहीं कहा जा रहा। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा, अर्थात मेरी दशा का तुम्हें अपनी हृदय अनुभूति से पता चल जाएगा। देखिए, नायिका नायक के लिए कुछ संदेशा भेजना है। अब वो जब संदेशा लिखने लगती है तो प्रेमवश कुछ लिख नहीं पाती, कागज पर कुछ उससे लिखा नहीं जाता। और क्या कहती है? कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजा। जो भी संदेशा मैं तुम्हें देना चाह रही हूँ वो कागज पर लिखते हुए मुझे लज्जा आ रही है, संकोच हो रहा है। कहिए सब तेरो ही हो, तेरा हृदय स्वयं ही मेरे हृदय की बात को जान जाएगा। ठीक है, आगे समय जिसका विशेष होगा। नायिका के मनोभावों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। नायक को लक्ष्य कर नायिका कहती है कि पत्र में या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव में व्यक्त नहीं कर सकती उसे तुम स्वयं ही अनुमान से समझ लेना। कहत सबे बेदी दिए अंकु दस गुने होत, तिये लीलार बेदी दिए अग्नित बढ़त उदोतु। देखिए इसमें क्या कहा गया, बेदी बेंदी बिंदी महिलाएं जो अपने ललाट पर लगाती हैं बिंदी, आंकू आंकू मीन्स अंक अंक, ओके, लीलार ललाट, ठीक है, उदोतु उदोतु प्रकाश। कहत सबे बेदी दिए अंकु दस गुने होत। बिहारी इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें नायिका के मुख की शोभा का अतिशय वर्णन किया गया है। नायिका की सखी नायिका से कहती है कि सब लोग ऐसा कहते हैं, कहत सबे बेदी दियो अंकु दस, सब लोग ये कहते हैं कि किसी भी अंक के सामने शून्य लगा देने से उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे एक के आगे जीरो लग गया तो मान क्या दस गुना हो गया, दो के आगे जीरो लगा दिया तो उसका मान बढ़ गया। ठीक है, एक अंक के आगे जीरो लगा देने से शून्य रख देने से उसका मान दस गुना बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी अंक के सामने शून्य रख देने से उसका मान दस गुना बढ़ जाता है, किंतु उस नायिका के ललाट पर बिंदी लग जाने से उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया, अर्थात तो उसका सौंदर्य अतिशय हो जाता है। सौंदर्य वृद्धि में गणित का नियम काम नहीं करता। या नायिका अपनी सखी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि जिस तरह किसी भी अंक के आगे जीरो लगा देने मात्र से उसका मूल्य दस गुना बढ़ जाता है, उसी तरह नायिका के माथे पर जो बिंदी लगी है उससे उसका रूप सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा अतिशय बढ़ गया जाता है उसके ठीक है, अंक के आगे बिंदी या शून्य लगाने से उसका मान दस गुना बढ़ जाता है। ये तो सामान्य सा कथन है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नायिका के ललाट पर बिंदी लगने से अगणित क्रांति फैलने लगती है, अर्थात बिंदी लगाने से नायिका का रूप सौंदर्य और भी अधिक बढ़ रहा है। नेक्स्ट 19 नंबर का दोहा देखिए बेटा। डीठी ने परतु समान दुति कनक कनक से गात, भूषण कर कर सल लगत परसी पिछाने जात। हार्ड वर्ड लिखिए, डीठी डीठी में दृष्टि दृष्टि, ओके, कनक सोना, भूषण आभूषण, ठीक है, कर
कर्कश कठोर, कर्कश कर्कश कठोर, ठीक है। परसी छूना, बिछाने बिछाने मीन्स जानना। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, विशेष अपना पूर्ववर्त चल रहा है, ठीक है। इसमें कवि बिहारी ने नायिका के शरीर की सुंदर कांति का वर्णन बिहारी ने बहुत ही चमत्कार पूर्वक ढंग से किया है। देखिए क्या कहते हैं कवि वर्णन करते हुए, कहते हैं कि नायिका के शरीर का गौर वर्ण बिल्कुल सोने जैसा है। डीठी ने परतु समान दूती कनक कनक के घात, कि नायिका का जो बिहारी जी कहते हैं कि नायिका के शरीर का गोरा वर्ण बिल्कुल सोने जैसा, इसलिए शरीर पर दृष्टि पड़ते समय पहचाना नहीं कि कहीं सोने के आभूषण हैं और कहीं शरीर की चमड़ी। डीठी ने परतु समान दूती कनक कनक से घात। देखिए कवि बिहारी नायिका के रूप सौंदर्य का अनुपम वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि नायिका का गोरा वर्ण ऐसे लग रहा है कि जब उस पर दृष्टि जाती है तो समझ नहीं आता ये पूरा शरीर सोने के आभूषणों से लदा हुआ है या ये शरीर है चमड़ी है। सोने के आभूषण हाथ से स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, भूषण कर्कश लगत, सोने के आभूषणों को हाथ से स्पर्श करने पर वो कठोर लगते हैं। परसी पिछाने जात, केवल स्पर्श करने से ही पहचाना जा सकता है कि आभूषण है या नायिका का। परसी पिछाने जात, सिर्फ ये इससे ही पहचाना जा सकता है हाथ लगा के कि ये आभूषण है या नायिका का शरीर। तो इसमें नायिका के रूप सौंदर्य के उसके गोरे वर्ण का वर्णन बिहारी ने कितना ही चमत्कार पूर्ण शैली में किया है कि पूरा शरीर नायिका का ऐसे लगता है जैसे कोमल शरीर है या सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं। पहचान हाथ लगाने पर ही होती है, हाथ लगाने से पता चलता है सोना कठोर है और शरीर जो है वो कोमल है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया 19 नंबर का। इसका विशेष लिखे नायिका के गोरे रूप का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशोक्ति अलंकार होता है बेटा किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट दोहा है आपका, अंग अंग नग जगमग दीप सिखा भी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजोरो गेहे। देखिए अंग अंग शरीर, नग नगीने, नग मीन्स नगीने या आभूषण, ठीक है। दीपशिखा दीपक की लो, दीपशिखा दीपक की लो, दिया दीपक, दिया दीपक, बढ़ाए बुझाने पर, बढ़ाए बुझाने पर, ठीक है। बड़ो बड़ा, उजियारो प्रकाश, उजियारो प्रकाश, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देहे। कवि बिहारी ने एक सखी नायक के पास जाकर अपनी सखी के सौंदर्य का वर्णन करती है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी सखी के सौंदर्य का वर्णन करती हुई क्या कहती है कि उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है। अंग अंग पर पूरे शरीर पर नग्न जड़ित आभूषण है जिनकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान दीप शिखा सी दे दे, जिसके कारण उनका शरीर दीप शिखा के समान, दीपक की लो के समान क्या हो रहा है, चमक रहा है। इस कारण उसका शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी दिया बढ़ाए हूँ करे। इस तरह घर में अगर दीपक बुझाने पर अंधेरा हो जाता है लेकिन दीपक बुझाने पर भी, नायिका क्या कह रही है कि दीपक बुझाने पर भी उसके शरीर अत्यधिक प्रकाश फैलाता जा रहा है। भाव यह है कि नायिका के सुंदर
चमचमाते आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैल रहा है, परसी पिछाने जात। ठीक है, नायिका के पहने हुए गहनों से चारों तरफ अंधेरे में भी प्रकाश फैल रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। देखो, अंधेरे में भी प्रकाश का फैलना, समझ आया? एक बार और देखिए, नायिका की शारीरिक क्रांति अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है, जिसकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। इस कारण उसका शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश फैला रहा है। कहने का तात्पर्य है कि नायिका सुंदर चमचमाते आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैला रही है। ठीक है बेटा, इसका विशेष लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है, उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है, समझ आ गया? ये 20 के 20 दोहे बेटा कंप्लीट हो गए। 9 मैंने आपको कल कराए थे और बाकी आज सारे समझा दिए। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। डेली का वर्क डेली किया करो, डेली की वीडियो डेली आप सुना करो, जिससे चैप्टर का लिंक ना टूटे। पता चले आज पार्ट 1 है, 1 कर लिया और 3 को सुन लिया, 2 को छोड़ दिया, तो चैप्टर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो सीक्वेंस अनुसार डेली का डेली वीडियो सुने, समझे। कोई डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें। ओके बेटा, थैंक यू।